أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمين جزء نمبر 4 سورة النساء آية نمبر 5 يعني 5 ولا तो तु, तुस्फहा वला और ना तो तु, तु, तुम तु दो असुफहा नादानों को बेवकूफों को अम्वाल अम्वाल माल अपने अल्लाह वो जो जल्लाहु बनाया अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए क़यामन क़याम का जरिया वर्ज़ुकुहुम और रिज़्क़ दो उन्हें फ़ीहा उसमें से वक्सुहुम और पहनाओ उन्हें वकूलो लहुम और कहो उन्हें कौलम मारूफा बात अच्छी यानी बात भली देखिए पहले लफ्ज पर आइए वला और ना ना तो तु, तु सुफहा ना तुम दो बेवकूफों को सुफहा कौन है सफी की जमा है सफी होता है एक नादान एक बेवकूफ सुफहा होते हैं जमा अम वालकुम अपने माल अल्लती वो जो वो माल यानी जो अल्लाह ने बनाया लकुम तुम्हारे लिए का मतलब है मीशत यानी जिंदगी कायम करने का जरिया और जरूरत जिंदगी को पूरा करने का जरिया बर हम फी और रिस्क दो उनको उसमें किसमें उस माल में से खाने को दो बखसू हम और उन्हें पहनने को दो और वकुल और कहो उनके लिए कौलम मारूफा बात भली बात अच्छी यानी अच्छे अखलाक से पेश आओ तो क्या मतलब है इसका इसका मतलब यह है कि आप देखिए कि पहले हमने पिछली जो हमने की थी आयत की तफसीर उसमें मैंने आपको कहा था कि उसमें कहा गया कि औरतों को उनके मेहर दे दो और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है उससे उस उससे पिछली आयत में हमने सबसे पिछली इससे इस पिछली में कहा था औरतों को महर दे दो उससे पिछली में कहा था यतीमों के हक की हिफाजत करो ठीक है अब जो इस पर बहुत गौर कीजिएगा इसमें औरतों और यतीमों दोनों का जिक्र आ रहा है कि अब आप देखेंगे औरतों को मेहर दे दो और यहाँ खास तौर तो पे क्या कहा गया असुफहा अस को माल मत दो नादानों को मत दो बेवकूफों को मत दो ये कौन है सुफहा सफाहत जो है ना उसके मायने हैं बेवकूफ़ी नादानी और आपको पता है ये किस वजह से होती है कभी कभी इस वजह से भी होती है ना कि उम्र छोटी होती है बंदा कम कम उम्री की वजह से होती है बाद कम अकली की वजह से होती है अकल कम होती है और बास दफ़ा दीन की समझ नहीं होती दीन के इल्म की कमी की वजह से भी ये नादानी होती है और, और बंदा क्या है कि पता ही नहीं होता कि पैसा खर्च किधर करना है बस इधर उधर उड़ा उड़ा के खत्म कर दिया और ठिकाने लगा दिया तो कभी छोटी उम्र की वजह से भी इंसान बेवकूफ होता है जैसे छोटे बच्चे कभी उनके हाथ में आप बड़ी चीज दे दो तो वो तो नहीं उसको संभाल सकते और कभी जनून की से जहनी मरीज होते हैं उनको नहीं पता होता है कि जिसके ऊपर तो वैसे ही इतने कर्जे चढ़े होते हैं अब उसके हाथ में आप बहुत सारा ढेर सारा पैसा दे दो वो क्या करेगा वो अपनी जरूरियात लगा देगा उसके पास तो बेचारे के पास पहले ही माल नहीं तो यहाँ पर इस आयत में फरमाया जा रहा है माल नहीं दो यानी यतीम बच्चे जो है गौर कीजिए पीछे यतीम और औरतों का जिक्र हुआ है अब आगे ये फरमाया जा रहा है कि अगर यतीम बच्चे छोटे हैं कम उम्र हैं नादान हैं बेवकूफ हैं छोटे हैं तो उनको माल न दो क्यों ना दो क्योंकि वो जाया कर बैठेंगे या फिर ये कि कुछ वो बड़े हो गए तो वो कुछ मेच्योर हो जाएंगे अगर वो इस वक्त मेच्योर नहीं है बड़े नहीं है समझदार नहीं है और बाजों का ऐसा होता है जिसमानी तौर पर बच्चों के कद बड़े हो जाते हैं बाज बच्चे होते उनकी आवाज में बड़ी जल्दी तब्दीली आ जाती है कद भी खूब लंबा सा हो जाता है दड़ी मुझे भी कुछ निकल आती है मगर अक्ल नाम की कोई चीज नहीं होती तो ऐसी सूरत में उनके हाथ में माल नहीं दे देना चाहिए तो यहाँ क्राइटेरिया जो है वो अक्लमंदी है यानी आप ये नहीं देखो कि कद लंबा सारा है तो बहुत सारे जो बाप ने फौत हुआ वो जल्दी से पकड़ा दो वो अभी एज तक पहुंचे नहीं पहले जाया करके बैठ जाए आगे जिंदगी में मुश्किलें उठाए तो बेवकूफ को नादान को कम अकल को और कम कम उम्री की वजह से या जिस भी वजह से उसको माल न दो वा तो न दो तुम माल एस, इस तरह नादानों के हाथ में इसी तरह आप देखेंगे क्योंकि पीछे औरतों की बात हुई और उससे पीछे यतीमों की बात हुई है तो ये दोनों दोनों कैटेगरीज जो इकट्ठी हो रही हैं, तो यहां पर मैं आपको औरतों के बारे में बताती चलूं कुछ औरतें होती वो इतनी समझदार नहीं क्योंकि उनका उनकी जो आ, आ, न, होती है ना उनको माँ बाप ने इतना सहूलतों के साथ पाला होता है इतनी प्रोटेक्टेड पली होती है कि ना उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है ना कभी उन्होंने कोई इस तरह का मसला देखा होता है ना वो बाजार गई होती है ना उन्होंने कभी अपने हाथ से उनको तो सब कुछ किया कराया मिलता है अब उनको क्या पता कि भाई कैसे इस तनख्वाह की

का पूरा माल नहीं दो अगर वो जाया कर बैठे क्या करोगे फिर और बासूका तो आपने देखा ना आम जिंदगी में देखा ना कि <laughs>

ये बुराई की बात नहीं है कि अगर वो संभालती है और वक्त जरूरत देती है लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और भी इजाफी बताती चलू की अगर लड़की समझदार है और वो अपना सब कुछ संभालना जानती है तो फिर इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए फिर हर वक्त उसके चेक बैलेंस पे भी नहीं रहना चाहिए कि हाँ जी कहाँ रखा है क्यों रखा है संभाला नहीं संभाला क्या किया क्या इस तरह लोग इरिटेट होते हैं घरों में लड़ाईया हो जाती हैं हाँ अगर बच्ची छोटी है लापरवाह है समझ नहीं आ रही सही से नहीं कर पा रही तो फिर साथ संभाले लेकिन चीज उसी की है जिसकी है फिर उसको दे भी ये नहीं कि कुछ संभाले और फिर कुछ कुछ उसमें से खुद ना रखे ठीक है जो उसका है वो उसका है अमानत है ना तो ये कहना चाह रही हूँ तो इस आयत से बात ये पता चलती है कि इस्लाम में माल की अहमियत है जो खास बात है ठीक है लिहाजा इसके पेश नजर ये बात की जा, ये हुक्म दिया जा रहा है खास तौर पर कि माल जिससे तुम अपनी जरूरत पूरी करते हो कहा तो न नादानों को ना दो क्या चीज अम्बालकुम अपने माल अल्ला वो जो या बनाया लकुम तुम्हारे लिए कयामन क्याम का जरिया वर्जूम और इस, चलो तक बात रोक के पहले मैं आपको समझा दूं कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपनी जिस माल से पूरी करते हो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हो इतनी मेहनत से कमाते हो यानी माल को हिफाजत करो ये जाया करने की चीज नहीं है माल की हिफाजत तुम्हारा फर्ज है और अगर कोई शख्स माल की हिफाजत करते हुए जान दे देता है तो उसे शहादत का दर्जा मिलता है ये भी याद रखिए लेकिन हमारे माशरे में क्या होता है हमारे माशरे में तो दो चीजों का बहुत ज्यादा चीजें जो है नजर आती है पहली चीज क्या है बुखुल दूसरी चीज क्या है असराफ बखुल क्या होता है यानी जिधर जरूरत है उधर भी खर्च नहीं करना बस जमा करो जमा करो बस जमा करो और असराफ क्या है मिल गया माल बस धड़ाधड़ खर्च करो ना आगे देखो ना पीछे देखो ना कुछ सोचो बस उड़ा दो बस ये भी ले लो वो भी ले लू, ये फैशाने, वो फैशाने, ये लो, वो लो ये फैशन है वो फैशन है, है असराफ असराफ हमारा जो दीन है ना असल में वो क्या है वो बुहुल और असराफ के दरमियान वाला रवैया चाहता है उसको क्या कहते हैं एत दाल उसको कहते हैं मयाना रवि तो असराफ जो है वो क्या है जरूरत से जायद खर्चा नोट कर लें और बुखल क्या है जहां जरूरत हो वहां पर भी खर्च ना करे बल्कि दबा दबा के सैद सैद के गिन गिन के के छुपा छुपा के, रख दे जमा कर करके हाय इसमें से तो मैंने कुछ भी खर्च नहीं करना भाई क्या करना है फिर तुमने इसको जिधर जरूरत है खोलो उसके उसको खर्च करो तो हमारा दीन क्या कहता है एत में रहो ऐसे लोगों को माल न दो हरगिज वाला तो, तो हाँ। ऐसे लोग देखें अल्लाह कितना मेहरबान है हर चीज समझाता है कैसे हमारी तरबियत करता है कि लोगों को उनको माल न दो जो गुमा दें जो गुमा दें या गवा दें ये दो तो अलग अलग लफ्ज हैं या गवा दें या गुमा दें गवा देते हैं ना वो लोग जो लगाते हैं यूं और उड़ा देते हैं या उड़ा दें या गवा दें या घुमा दें ऐसे लोगों को माल नहीं देना बाजात ऐसा होता है कि माँ बाप जो होते हैं ना वो वो बेचारे ये समझते हैं कि हम बच्चों से मोहब्बत का इजहार का जो तरीका है ना वो ये है कि बस बहुत सारा पैसा दे दो या फिर बहुत सारी चीजें दे दो छोटे छोड़ छोटे बच्चों को छोटी छोटी उम्रों में गाड़ियां ले दो लैपटॉप ले दो कीमती कीमती फोन ले दो ढेर सारे कीमती कीमती कपड़े पहना दो पता नहीं क्या कुछ कर दो ऐसी चीजें ले दो जो उनके काम की भी नहीं होती बस प्यार है बस हमें प्यार बहुत है ना हम प्यार का इजहार बहुत करते हैं कुरान जो नहीं पढ़ा दिल से कुरान जो नहीं पढ़ा समझ के क्या पता है कि अल्लाह क्या फरमा रहा है अल्लाह ने कहा है इतना कीमती माल जो है ना इसको नादानों के हाथ में ना बच्चे नादान होते हैं छोटी उम्र के होते हैं तो बाज लोग तो मोहब्बत के इजहार का ये तरीका बना के रखते हैं ना दूसरों पर रोबराब डालने के लिए हमारे बच्चे के पास तो जी बहुत कीमती मोबाइल है अच्छा हुआ करे तो फिर बच्चों में फिर इससे बिगाड़ आ जाता है नोट कर लेंगे अपने पास। इससे क्या होता है बच्चों में बिगाड़ आ जाता है बहुत छोटी उम्र में चीजें पाकर मेहनत की आदत खत्म हो जाती है किसी चीज की कदर कीमत बाकी नहीं रहती फिर क्या होता है माल जाया हो जाता है जब बच्चे की नजर में अहमियत ही नहीं होगी तो ऐसे में फरमाया गया अपने माल की हिफाजत करो जो कि बहुत जरूरी है ठीक है तो ऐसे लोगों के हाथ में माल न दो कि जो जाया करें तो गोया माल की हिफाजत बहुत जरूरी अंडरलाइन करें इस जुमले को कि माल की हिफाजत बहुत जरूरी है ऐसे नादानों के हाथ में माल दे के जया नहीं करवाना माल अल्लाह की दी हुई नेमत है उसने इस दुनिया में आपको बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए माल दिया है वरना जरूरत पड़ने पर तो अगर अगर कभी ऐसा हो कि आपने अच्छे वक्तों में माल उड़ा दिया सारा जो अल्लाह की नेमत है अल्लाह ने आपको सेहत दी है आप लोग कहते हैं ना मैंने खुद कमाया है इसलिए अरे भाई खुद कमाया है तो अल्लाह ने कमाने का मौका दिया सेहत दी तंदरुस्ती दी, तो की है आप अल्लाह के दिए हुए माल को इस तरीके से खर्च करो ना जो अल्लाह ने हुम दिया है अल्लाह ने कुछ जाया करने के लिए असराफ करने के लिए थोड़ी ना दिया और फिर कभी मुश्किल आ जाए फिर क्या करोगे जरूरत पड़ने पर फिर तुम्हें तुम्हारे पास कुछ ना हुआ तो फिर तुम्हें परेशानी होगी तुम भाग खड़े हो फिर रिश्तेदारों के पास दूसरों के पास अब मुझे दो कितना गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर जो उड़ाते फिरते हैं और फिर मुश्किल के मुश्किल के वक्त में फंसते हैं कहते हैं अब तुम दो ये कितनी बड़ी परेशानी की बात होती है तो ऐसा नहीं करना दीन जो है वो दीन जो है ना वो हमें हर चीज की आ, स, समझ देता है हमें हर हर चीज पे हमें अकल देता है तो हमारे कुरान पाक में अल्लाह का हुक्म है कि वला तो आ, ना दो नादानों को माल अपने अल्लाह ने बनाए हैं ना तुम्हारे लिए तो जरूरत के आगे फिर ऐसा ना हो कि तुम मजबूर हो जाओ तो हदीस में आता है कि हो सकता है कि कभी फकर में यानी मोहताजी में इंसान जो है वो कुफर पर भी आमादा कर आमादा हो जाए आम, मत, मत, नहीं फक्र और मोहताजी इंसान को कुफर पर आमादा करे यह हदीस में आता है तो बुरा वक्त आने से पहले माल को महफूज रखो संभाल कर रखो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खर्च वर्च करो कोई ना उस उसपे खजाने पे, पे सांप बन के बैठ जाओ कि नहीं मैंने तो उसके इसके अंदर से कुछ खर्च ही नहीं करना उसको ऐसी जगह दबा दो कि बस उसका कोई अता पता ही नहीं है और खुद फकीराना जिंदगी बसर करो ऐसा कहने का मकसद नहीं है मकसद ये है कि जब जरूरत पड़े निकाह लो खर्च करो लेकिन मना किस चीज से किया जा रहा जाया करने से जायद खर्च करने से बिला वजह खर्च करने से उसको शो ऑफ करने से जाया करने से नादानों के हाथ में देने से और ताकि नादान भी जाया करेंगे ना बेवकूफों को देने से तो इस आयत में फरमाया गया है कि बेवकूफों को माल न दो कैश ना दो उनके हाथ में कोई ऐसी चीज दो कि वो जिसको जाया करें फिर तुम्हारा नुकसान हो लेकिन आगे बड़े गौर से सुनिए कहा गया है तो अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए क्या क्याम का जरिया कयाम यानी जिंदगी गुजारने का जरिया फौरन अल्लाह ने साथ ही कह दिया वर जुकू और रिस्क दो उन्हें किसको नादानों को यानी खाना पीना और जो भी मतलब बच्चे हैं यतीम बच्चे हैं औरतें हैं लड़कियां हैं बउए हैं बेटियां हैं या लड़के हैं घर में छोटे जो नादान हैं कोई और है कोई भी है जो जिसके हाथ में पैसा दोगे वो जाया कर देगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका खाना पीना ही बंद करके रख दो ये ये तो जी नादान है इस पे तो खर्चा ही नहीं करना नहीं उसको वर्जू हो उसको खाना पीना दो और क्या दो खाना की खाना वाना क्या दो लिखे अपने पास वही दो जो खुद खाते हो वही दो जो खुद खाते हो उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए और वक्त हम और पहनाओ उन्हें क्या चीज कपड़े अच्छे जो खुद पहनते हो वही उनको भी पहनाओ उनको भी पहनने के लिए अच्छा कपड़ा दो अच्छा खाना भी दो और अच्छा कपड़ा भी दो बाजो का खानी जो होती है ना उनको शोहर हजरा हाथ में पैसे नहीं देते अब वो बड़ी शिकायत करती फिरती रहती है मेरे शोहर ने अब दूसरी खातिन से सुनती है ना दूसरी खतानी जी मेरा तो सारा महीने का खर्चा ना मेरे हाथ में होता है मैं खुद ही खर्च करती हूँ अब औरतें बेचारी वो गुस्से हो जाती है मेरा शोहर तो खुद ही खर्च करता है मुझे तो देता नहीं है तो शिकायत करती हैं या बाज़ात बच्चे होते हैं ना तो बाज बच्चे चीजें दिखाते हैं बहुत बड़ी बड़ी कीमती कीमती ये मेरे अब्बू ने दिलाई या मेरी अम्मी ने दिलाई दूसरे बच्चे जाके घर में शिकायत करते हैं कि हमारे हाथ में पैसा नहीं है हमारे हाथ में चीजें नहीं है शिकायतें देते हैं लड़ाइया करते हैं औरतें जली भुनी बैठी होती हैं कि आने दो मैं आज बोलती हूँ कि तुमने मेरे हाथ में कुछ नहीं दिया मेरी सहेली तो सारा खर्चा खुद चलाती है आप भी मेरे हाथ में तो फिर अल्लाह ने क्या कहा अल्लाह को पता है ना कि ऐसी चीजें हो जाएंगी जब बेवकूफों के हाथ में माल नहीं जाएगा और लेकिन अल्लाह ने कहा खाना पहनना ओढ़ना सब कुछ अच्छा दो अब अल्लाह को पता है कि आगे मामला खराब भी हो सकता है लड़ाई हो सकती है तो अल्लाह ने फौरन अगला जुमला मुकम्मल कर दिया वकूल और कहो लहुम उन्हें किसको ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ औरतें बच्चे खातिन छोटे लड़के जो भी जो भी ना समझें अब छोटा लड़का किसी को देखा कि कोई किसी दूसरे छोटे लड़के के पास गाड़ी है अब उसको तो भाई अकल अल्लाह ने इतनी दी है कि वो ध्यान से चला सकता है अब आप वो नहीं चला सकते हो आप आके अपने अब्बा के और अम्मा के पीछे पड़ जाओ उसके पास तो गाड़ी है उसकी तो अम्मी ने दी हुई है आप तो मुझे हाथ नहीं लगाने देते करते है ना बच्चे तो अब माँ बाप भी उसको डांटने लग जाए तू तो है ही बेवकूफ तू तो है ही इस काबिल नहीं वो ये बातें नहीं करनी अल्लाह ने कहा वकुल मारूफा क्या बात करनी है लहुम कौलम मारूफा और कहो उनसे बात अच्छी भली बातें करो उनसे ये नहीं कि आगे से वो तुम उनको पढ़ जाओ कि वो तो बेचारे करेंगे ना शिकायत उनको क्या पता कि हम तो आ, हमारा आईक्यू लेवल इस तरह का नहीं है या हम वो तो फिर दुनिया को देखेंगे तो बोलेंगे तो अल्लाह ताला बहुत तरीके से समझा रहे हैं कि फिर तुम उनके हाथ में जब बेवकूफ़ों को नादानों को कम अकलों को कम उम्रों को माल नहीं दोगे क्योंकि माल तो अल्लाह ने तुम्हें दिया है ना अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए लेकिन तुम उनका भी कपड़ा खाना पीना वैसा का वैसा दोगे जो तुम खुद खाते हो तो अगर वो शिकायत भी करते हैं देखिए यहाँ पूरी कहानी नहीं है कहानी इंसान को खुद अकल इसीलिए अल्लाह दिए कि आप अपनी अकल से सोचे अल्लाह ने फिर आगे से बात करने वाली बात क्यों कर दी क्योंकि लाजमी बात है कि वो बात करेंगे ना तो जवाब देना पड़ेगा तो फिर आगे डांटना डपटना नहीं है बल्कि और कहो उनसे अच्छी बात ठीक है तो वकुल मारूफ हो उनसे अच्छी बात करो यानी क्या तमीज से बात करो अच्छी तरह पेश आओ उनका आगे से तमस्कर नहीं उड़ाओ उन्हें ये ना कहो की तुम तो ठहरे बेवकूफ ना समझ ऐसे वैसे ये बातें नहीं करनी बल्कि बद तो करनी ही नहीं क्या करना है बिल्कुल बद अखलाक तो बनना ही नहीं है बल्कि तजाहुल आरिफाना से काम लो तजाहुल आरिफाना क्या होता है मैंने आपको बताया था ना कि उस्तादों से सुना है ये लफ्ज लफ्ज नोट कीजिएगा अपने पास बड़ा खूबसूरत है कि आप जानते हो कि ये बेवकूफ है नादान है कम उम्र है अभी ना समझ है अभी इनको ये चीज दी तो खराब कर देंगे लेकिन अब उनको तो नहीं ना कह सकते कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो नहीं इग्नोर कर दे इसको कहते हैं तजाहुल आरिफाना ये नहीं कि आगे से डांटने लगे उनको बेजती करना शुरू कर देने नहीं 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 तजाहुल आरिफाना लिखे अपने पास कि इग्नोर कर दें नही प्यार से समझा दें कि हाँ बेटा हम लेके देंगे आपको भी क्यों नहीं हम आप हमारे इतने प्यारे बच्चे हो या बच्ची हो या जो भी हो हम थोड़े से आप बड़े हो जाओ हम आपको लेके देंगे अच्छा मामला करो अच्छे अखलाक से पेश आओ इब अमर का कौल है कि खर्च में एतदाल जो है वो नस्फ मीशत है और लोगों के साथ मोहब्बत जो है वो आधी अकल है और अक्लमंद होना आधा इल्म है ठीक है तो ये देखिए कि जो पहली बात मैंने ये जो इनका कॉल है इसमें जो पहली बात मैंने कही ना कि खर्च में एतदाल जो है वो निसफ है यानी जिंदगी गुजारने का आधा जो निसफ जो राज है ना वो इसमें है किसमें यानी जो शख्स एहतदाल से खर्च करता है तो गोया उसने आधी जरूरत को तो इसी में पूरा कर लिया और, और, दूसरी बात मैंने कही ना जो मैंने आपको कॉल सुनाया कि लोगों के साथ मोहब्बत आधी अकल है यानी यह भी बहुत अकलमंदी की बात है कि आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करें क्योंकि अगर अगर कोई नादानी में आपके साथ बुरा कर रहा है या आपसे डिमांड कर रहा है या कुछ और तो आप उसको अकल से समझाएं आपको तो अल्लाह ने अकल दी है ना आपको तो समझ दी है ना आपको तो इलम दिया है तो ये जो है अकलमंद होना आधा इल्म है क्योंकि जाहिल तो आगे से लड़ना शुरू कर देता है ना अक्लमंद होना आधा इल्म है और और तीसरी बात ये देखे अक्लमंद होना आधा इल्म कैसे है ऐसे कि दूसरों को इंसान हर हर चीज तो नहीं बता सकता ना कुछ यानी जब हम किसी को कोई अकल देने लगते हैं समझाने लगते हैं दूसरों को जिंदगी के कुछ तरीके बताते हैं तो हम क्या करें हम उसका हाथ पकड़ के तो नहीं ना चल सकते हमने तो बताना ही होता है ना आगे कुछ खुद उसने समझदारी करनी होती है यानी किसी को कोई आधी बात कोई बताता है तो अगला इंसान आधी बात अपनी अकल से सुन के समझ के खुद खुद भी तो कुछ कर लेता है ना सीख लेता है और बेहतरीन सिखाने का तरीका भी यही है कि उस ताद अगर कुछ सिखा रहा है ना तो उसको अच्छी तरह सुनिए उसको समझिए फिर अपनी अकल भी इस्तेमाल कीजिए और फिर उसको अमल में लाया जाए तो ये है अकलमंद होना आधा इल्म है और अगर अकलमंदी ही नहीं हो बात सर के ऊपर से गुजर गई समझने की कोशिश ही नहीं की समझाई नहीं तो फिर क्या हुआ गया आधा इलम भी तो ये ये जो बात है ना समझ में आई आपको तो क्या समझ में आया शायद में ये देखिए सबसे पहले दोबारा नोट कर अगर किसी ने नहीं, नहीं लिखा इस आयत का खुलासा दोबारा बयान कर रही हूँ क्यों? क्यों कर देंगे हाँ और दूसरा ये कि माल जाया करना नापसंदीदा है अल्लाह को पसंद नहीं है जबी तो अल्लाह ताला ने इतना अहम हुक्म दिया अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि मैंने तुम्हें माल दिया नेमत दी सेहत दी तुमने कमाया जो कुछ भी किया तुम उसको जाया कर दो कोई जायदाद है चाहे वो आपका जेवर है चाहे वो आपके कपड़े है या चा, चाहे कोई आपके जानवर हैं, कोई खेती है कोई पैसा है कोई करंसी है वो सारा माल है ना तो माल जो है वो जिंदगी की जरूरियात पूरी करने का जरिया है दीन और दुनिया के काम उससे किए जाते हैं देखिए नेकी कमाने का जरिया है माल अगर माल होगा तो आप सदका खैरात करेंगे ना कोई मस्जिद बनवा देंगे कोई मस्जिद का चंदा दे देंगे कोई किसी गरीब की, की मदद कर देंगे किसी यतीम बच्चे की मदद कर देंगे किसी बेवा के घर का राशन लगा देंगे किसी को कोई ईद जबराब दे देंगे कोई कपड़ा दे देंगे कोई पैसा दे देंगे कोई खाना दे देंगे कुछ मतलब कुछ मदद कर देंगे तो क्या हो होता है यानी कि सदका खैरात करेंगे तभी तो आप, आपका माल जो सही जगह में जाएगा ना जाया नहीं होगा और अगर ये नेकी अगर जाया कर दिया पहले से ही अब माल इधर आया उधर जाया इधर आया उधर जाया तो अल्लाह के रास्ते में खर्च कहा से करेंगे कहाँ से करेंगे होगा ही नहीं तो जाया कर देंगे तो बल्कि अल्लाह कह रहे अच्छे कामों में लगाओ दीन और दुनिया दोनों की जरूरत पूरी करो यानी दुनिया में आपको जो जरूरिया पेश आती है ना वो भी पूरी करो उसका पूरी करने का हुक्म है लेकिन जाया करने से मना किया है और जो अगली दुनिया है जब उसके लिए भी अल्लाह ताला की रस्ते में खर्च करोगे माल होगा तो खर्च करोगे ना जब उसको संभाल के रखोगे महफूज तरीके से उसको अच्छे कामों पर खर्च करोगे किसी को इल्म दे कि कोई इल्म के रास्ते रास्ते आसान कर दोगे किसी तालब इल्म का कोई खर्चा बांध दोगे कुछ किताब दिला दोगे कोई कुरान की अशात करा दोगे हजारों काम ना, नेकी के लेकिन असल टॉपिक ये है कि आपने माल को जाया नहीं करना इस दुनिया की भलाई के लिए भी खर्च करना और आखिरत के लिए भी और हुक्म खासतौर पर यह है खासतौर पे जो हुक्म है देखें आज के शुरू में ही आया आए वाल हाँ, यानी बच्चों को ना समझो को ना दानों को या फिर खानदान के जो नासमझ लोग हैं या जो अपने माल को खुद मैनेज नहीं कर सकते चाहे वो यतीम बच्चे हैं चाहे वो बेवा औरतें हैं चाहे वो घर की औरतें हैं चाहे वो जो भी हैं अपना उनके पास माल है लेकिन वो मैनेज नहीं कर सकते वो आपके खानदान के हैं घर के हैं जो भी हैं मैनेज नहीं कर सकते लिहाजा उनको आप आप आपके अंडर है ना आप उनको खाना दो अच्छे से अच्छा जो खुद खाते हो कपड़ा दो उनकी बेसिक नीड्स उनकी जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी है वो सारी की सारी आप पूरी करो और उनकी नासमझी की वजह से उनके साथ बद मत करो देखिए कितनी अहम बात है नादानों को माल नहीं दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उन्हें रिस्क दो उन्हें खाना दो उन्हें कपड़ा दो और उनके साथ बद अखलाकी मत करो बल्कि उनके साथ क्या करो उसने सलूक अच्छे अंदाज में खुश फुल्की से उनका उनके साथ बात करो उनका दिल खुश रखो शाइस्ता गुफ्तू तो करो ताकि वो भी कुछ सीखे और कुछ अकल ले अगर आप एक बेचारे के पास पहले ही अकल नहीं है तो आपने उसको तो डांट डांट के जो है वो भी निकाल देनी है तो वो तो बेचारा बंदा एबनॉर्मल से ही हो जाता है ना शायस्ता गुफतगु देखिये नरमी जो है ना वो इंसानों के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लाती है नरम गुफ्तु क्योंकि देखिए हमारे माशरे में कुछ लोग तो जो अक्लमंदो के साथ तो ठीक रहते हैं देखते हैं ना अगला बंदा खासा पढ़ा लिखा है खासा फिट फाट है ठीक ठाक है उसके साथ तो बिल्कुल सीधे रहते हैं उसके साथ तो बिल्कुल कहीं कोई गड़बड़ नहीं करते मगर जहा कोई बेचारा ना समझ अपने से कम पढ़ा लिखा या अपने से कम अकल वाला जरा सा भी नीचे नजर आया उसको पकड़ लिया उसको झड़क के अपनी समझते ये हैं लोग कि इसको झड़कने से हमारी कोई बड़ाई हो जाएगी अल्लाह अल्लाह कितना मेहरबान है ने कहा झिड़कना शुरू कर देंगे उसके साथ बदतमीजी करना अपना हक समझते हैं तो बेचारे ना समझ के साथ इस तरह से करना तो बेपरवाही करना उसके साथ बदतमीजी करना इसकी इजाजत हरगिज नहीं है ये लिख ले अपने पास कोई घरों में काम वाले लोग आते हैं मासियां आती हैं मेड्स होती हैं ये होते हैं अब वो बेचारे इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं दस दफा उनको काम पास बाजों समझाना पड़ता है तो अब आप उसको आप अपने आई पे चले जाओ और अपने लेवल पे कि मैंने तुम्हें एक दफा बता दिया तुम समझती क्यों नहीं हो सख्ती करने की जरूरत नहीं है। प्यार मोहब्बत से समझाओ कि देखो बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो तो सुफहा से भी अच्छी तरह नदानों से भी अच्छी तरह अखलाक से बात करने का हुक्म है ये है हमारे दीन के सिखाए हुए अखलाक इसको नोट करें अंडरलाइन करें बहुत इम्पोर्टेंट जुमला है और ये एक हकीकत है कि देखें जो अच्छी तरह बात करता है ना अंडरस्टैंड करता है आपकी बात को समझता है उसके साथ तो फिर बात करने में मुश्किल भी नहीं होती ना जो 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 हम, हमारे जहन को समझ रहा होता है हमारे अल्फाजों को समझ रहा होता है हमारे लेवल का होता है उससे तो बात करने में कोई मसला ही नहीं होता लेकिन बात तो तब है ना कि आप अपने से नीचे वाले बेचारे जो आपके लेवल से कम है उनके साथ कहो उनके साथ कुछ बात करो तो फिर वो समझे और आपको मुश्किल हो और आप उसको बर्दाश्त करो और फिर भी समझाओ तो फिर बात है ना फिर पता चलेगा ना आपका अखलाक इसको कहते हैं ना उसने अखलाक फिर ये थोड़ी है कि जो आपके साथ आगे से आप जनाब से बात करे और फौरन आपकी बात को समझ जाए तो फिर आपने उससे बात की और जो बेचारे के साथ आपको लगता है कि नादान है या कम उम्र है या कम पढ़ा लिखा है या दीन का इलम नहीं है उसके साथ आपने आगे से उलझ जाने नहीं कुरान के मुताबिक ऐसे लोगों को जो भी जो भी कहें तो उनसे आपने खे, मतलब खैर की बात करनी है वो अक्ल उनके पास नहीं है तो उनको आपने खैर की बात उन, उनके साथ चिड़ना नहीं है क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना की वजह से गुस्से में आता, हो जाता। वो कहते है क्या है? तुम्हें समझ नहीं आती बात। फिर में क्या करता है बदतमीजी करने लगता है तो अल्लाह ताला तो सब जानता है ना उसने तो इंसानों को बनाया उसको नेचर पता है। तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया और फरमाया कि ऐसे लोगों के साथ भी आपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना है ठीक है लिखिए इसको जो लोग बेचारे नादान हैं कम उम्र हैं कम अकल हैं कम तालीम याफ्ता हैं किसी भी लिहाज से उनके साथ भी आपने भीक बदतमीजी नहीं करनी उनके साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना है के ये ये जो सफहा होते हैं ना जो नादान होते हैं कम उम्र होते हैं ना ना समझ होते हैं इसकी वजह होती है कई वजह होती है इनकी बेवकूफ़ी की भी कई वजह होती है बहुत सारी वजह होती है मसलन एक नंबर एक अक्ल की कमी होती है ना तो देखें अकल बहुत बहुत आला उम्दा अकल देना या अल्लाह के हाथ में ना कि अल्लाह ने किसको अब किसी को कम दिया किसी को ज्यादा लेकिन अल्लाह ने उनके हुकूक की भी हिफाजत की है कुरान में मना किया कि भाई जिसके पास अकल थोड़ी कम है वो थोड़ा देर में समझता है उसके साथ आपको सख्ती करने का हक नहीं है चाहे वो कोई भी हो दूसरी चीज होती है दीन की कमी ये भी इंसान को कम अकल बना देती है क्योंकि बाजोकात जिंदगी में देखा गया है माशरे में देखा गया अपने किर आपने देखा होगा लोग इतने इतने पढ़े लिखे डिग्रियां दीन दीन का कुछ नहीं पता दुनिया के कामों के अंदर बड़े फास्ट होते हैं जहीन होते हैं हर चीज में उनको बड़ी अच्छी समझ आती है और जब कोई दीन की बात करो तो वो तो कुछ और ही बात करते हैं आगे से वो तो बात ही कुछ और करते तो नतीजतन क्या होता लड़ाई हो जाती है लोगों की आपस में क्योंकि वो तो बेचारे अपनी नासमझी की वजह से उनको तो दीन का पता ही कुछ नहीं होता अलिफ बे नहीं पता होती दीन की कहीं से सुन लिया वो उसी को दीन समझते हैं वो समझते हैं फलाने जो बात बताई

मारूफा। तो क्या करना है अच्छे अखलाक से पेश आओ और उससे भी बहुत ज्यादा मतलब ना अखलाक से पेश आओ जिसकी समझ में नहीं आ रहा क्यों उससे खानदानी लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना हो जाते हैं देखिए खानदानों में भी लोग होते हैं ना हर तरह के लोग हर खानदान में होते हैं हर तरह के लोग हर घर में होते हैं हर तरह के लोग हर मोहल्ले में होते हैं, तो क्या होता है कि फिर उससे जब लोग को, कोई जो है तो वो बहुत अच्छा दीन सीख गया अब वो अपना अड़ा हुआ है कि तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझते अब दूसरे को अलिफे नहीं पता तो लड़ाई हो जाती है ना तो अल्लाह ताला को लड़ाई पसंद नहीं है आप ये देखिए बार बार अल्लाह ताला ने वो लड़ाई के सारे रास्ते बंद कर दिए अल्लाह तला ने ये सारे लड़ाई के रास्ते बंद कर दिए कि देखो एक बंदे का माल है तो अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए कहा कि उसके उस खुद हिफाजत करो भाई तुम अकल कम उम्र अकल के हाथ में नहीं दो ताकि फिर कल को उससे झगड़ा नहीं करो लड़ाई का रास्ता बंद कर दिया ना कि कल को तुम कहोगे तुमने माल क्यों जया कर दिया तो उसके हाथ में नहीं दो और फिर ये अल्लाह ने कहा वर्जुक हो फी हा वक्सू हो खाना भी दो कपड़ा भी दो अल्लाह ने लड़ाई का रास्ता बंद कर दिया कि कोई आगे से ये ना कहे कि खुद तो अच्छा खाते हो मुझे खाने को नहीं दे रहे मुझे पहनने को नहीं दे रहे हक अदा कर दो यानी अल्लाह ने यहाँ भी लड़ाई का रास्ता बंद कर दिया और फिर ये जिसके हाथ में पैसा नहीं जाएगा सामान जाएगा अगर वो कहेगा कि भाई मेरे हाथ में पैसा दो तो फिर अगर वो गुस्सा भी करे तो वो कूल का मारूफा तुम अच्छी भली बात करो उसके साथ अखलाक से पेश आओ उसके साथ उधर भी लड़ने की जरूरत नहीं है तो अल्लाह ताला ने लड़ाई का रास्ता हर जगह बंद किया है आप ये देखिए तो इससे एक चीज हमें क्या पता चलती है और इजाफी ये बात है कि यह भी पता चलती है कि अल्लाह को लड़ाई झगड़ा भी पसंद नहीं अल्लाह को माल जाया करना भी पसंद नहीं अल्लाह को कमजोरों को दबाना भी पसंद नहीं बेचारे नादानों को और कमजोरों को कम अकल वाले नासमझ लोगों को डांटना पटकना भी अल्लाह को पसंद नहीं फिर यह कि उनका खाना पीना भी अच्छा देना चाहिए या अल्लाह ये चाहता है और अपने माल को संभाल के रखो ये अल्लाह चाहता है अपने माल की फजूल खर्चियां करना और इधर उड़ाना उधर उधर उड़ाना इस तरह जाया करना लोगों के आगे शो ऑफ करना नादानों के हाथ में खास तौर पर दे देना अगर आप नोटिस कोई शौहर है वो नोटिस करता है कि उसकी बीवी की इतनी समझ नहीं है मैं तनख्वाह ला के हाथ में देता हूँ और ये बेचारी अपनी नादानी की वजह से या इसकी कुछ परवरिश ऐसी हुई है सारी उड़ा उड़ू के महीना खत्म होने से पहले ही जाया कर देती है तो उसको प्यार मोहब्बत से उसको चीजें ला के दो और उसको उसका थोड़ा बहुत खर्चा दो लेकिन पूरा पूरा पूरे का पूरा अपना माल जाया करने के लिए उसके हाथ में ना दो इसी तरह बास चोहर होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं उनको अकल कोई नहीं होती इतनी मेहनत से कमाते हैं माल जाया कर देते हैं तो अगर खवतिन अकल वाली हैं तो वो उनको इसी तरह घरों में खानदानों में कोई बच्चे हैं यतीम है उनका कोई माल है कोई औरतें हैं कोई लड़कियां हैं कोई बच्चियां हैं कोई बहुएं हैं कोई बेटे हैं कोई दामाद है कोई, है, कोई छोटे बड़े हजारों लोग होते हैं ना जिनसे माशरा बना हुआ है जिनसे हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंसान तो सबने देखना यह है कि नादानों के हाथ में अपना माल नहीं देना ठीक है लोग जाया कर देते हैं बाज दफा इत, जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ की बाजात अपने घर की चीजें भी होती है ना जब अपने इस्तेमाल की बाज दफा छोटे बच्चे हैं लड़के हैं यंग लड़के हैं उनको कोई एहतियात नहीं है गाड़ी ले जाएंगे मार के आ जाएंगे बस शो भाई तुम किसी और तरीके से चले जाओ आसानी से जा सकते हो या खुद छोड़ के आ जाए जा जा, अच्छी तरह उनको और खुद लेके आ जाए तो ऐसे में कोई बुराई की बात नहीं है अल्लाह ने कहा कि अपने माल की हिफाजत करो उनको सब चीजें दो लेकिन बात अच्छी तरीके से करो वकूल अल्लाह तेज पर अमल की तोफी कता फरमाए उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी आयत नंबर फाइव सुरसा पारा नंबर फोर सुबह असल